और अब बात करते हैं सिंगरौली की, जहां 3 दशक बीत जाने के बाद भी रीवा टू रांची नेशनल हाईवे 39 नहीं बन सका। जान हथेली पे लेकर इस हाईवे पर यात्री सफर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 8 महीने पहले रीटेंडर भी शुरू हो गया था, जिसके बाद भी काम नहीं शुरू कराया गया। आपको बता दें कि 8 महीने पहले रीटेंडर भी जारी किया गया था, जिसके बाद भी काम नहीं शुरू किया जा सका है। मध्य प्रदेश की शायद ये पहली ऐसी नेशनल हाईवे सड़क होगी जो 3 दशकों में अभी तक नहीं बन सकी है, और सरकारी फाइलों में उलझने के बाद भी रीटेंडर के 8 महीने बाद भी निर्माण काम शुरू नहीं हो सका है। जी हम बात कर रहे हैं रीवा से रांची को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे नंबर 39, जिसकी चर्चा भोपाल से दिल्ली तक होती है, मगर इस सीधी सिंगरौली 100 किलोमीटर सड़क जो कि यूपी बॉर्डर के सोनभद्र जिले के खनहना बॉर्डर तक स्वीकृत है, राजनीति का ये शिकार हो गई। 10 साल पहले इसका टेंडर गैबन इंडिया कंपनी को मिला था और कंपनी ने काम शुरू किया। 1.5 साल के भीतर आधी सड़क पुल पुलिया बनाए गए, मगर उसके बाद राजनीतिक दाव पेच में काम रुक गया और कंपनी काम छोड़कर चली गई। लोकसभा चुनाव में इस बार ये सड़क फिर से खूब चर्चा में रही और दोबारा रिटेंडर हुआ। दूसरे निर्माण एजेंसी ने काम शुरू किया, भूमि पूजन भी हुआ, नेताओं के फोटो सेशन भी हुए, लेकिन 8 महीने में 8 किलोमीटर तक रोड भी नहीं बन पाई और काम अब पूरी तरह से बंद है। पूर्व में किए गए आधे अधूरे पुल पुलिया के लोहे सरिया जंग खा रहे हैं और अब अपनी बदनसीबी की गवाही दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज़।